हे फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपिका एंड वेलकम टू कानूनी सोच। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं एक पटना हाई कोर्ट का बहुत ही अहम जजमेंट। ये जजमेंट है दोस्तों सेकंड मैरिज के ऊपर। अगर कोई बंदा सेकंड मैरिज कर लेता है विदाउट टेकिंग डाइवोर्स फ्रॉम द फर्स्ट मैरिज, मतलब पहली मैरिज से उन्होंने डाइवोर्स नहीं लिया है, वो फ्री नहीं हुए हैं और उसके बावजूद उन्होंने जो है सेकंड मैरिज कर ली है, तो ऐसी केस में, इस केस में पटना हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया, किन किन फैक्ट्स को कैसे एनालाइज किया, ये सब हम इस जजमेंट में जानेंगे। दोस्तों, कई बार बहुत सारे डाउट्स रहते हैं सेकंड मैरिज को लेकर, तो बहुत हद तक ये डाउट इस वीडियो में क्लियर होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसका कोई ना कोई पॉइंट हमारे कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है, पता नहीं चलता। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आ रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि हम डेली आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि सेकंड मैरिज विदाउट डाइवोर्स के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अगर आप सेकंड मैरिज के लिए जा रहे हैं और आपने डाइवोर्स नहीं लिया है तो आप वो वीडियो जरूर विजिट कर लें, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जो आपके कहीं ना कहीं हेल्पफुल जरूर होंगे। दोस्तों, इसमें, इस वीडियो में हम ये पटना हाई कोर्ट का ये जजमेंट डिस्कस करेंगे। इस केस में हस्बैंड जो थे वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे थे सीआरपीएफ में, और उन्होंने सीआरपीएफ की ही एक एम्प्लॉई से सेकंड मैरिज कर ली थी, और उनकी जबकि फर्स्ट मैरिज से उन्होंने डाइवोर्स नहीं लिया था। अब जब उन्होंने सेकंड मैरिज करी और वाइफ को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने जो है उनके डिपार्टमेंट में, हस्बैंड के डिपार्टमेंट में कंप्लेन दर्ज करा दी हस्बैंड के खिलाफ कि उन्होंने ऐसे सेकंड मैरिज कर ली है। सीआरपीएफ की एम्प्लॉई वो कांस्टेबल थी जिनके साथ उन्होंने शादी करी। अब यहाँ पे प्रोसीडिंग्स हुई, फिर इन्वेस्टिगेशन हुई कि हाँ, देखा गया कि भाई इन्होंने क्राइम करा है। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पाया गया कि वो हस्बैंड गिल्टी है और उन्होंने क्राइम किया है, सेकंड मैरिज कर ली है विदाउट टेकिंग डाइवोर्स, तो उन्होंने उसे नौकरी से निकाल दिया, नौकरी से डिसमिस कर दिया। अब वो गए, हस्बैंड गए इसकी अपील में, तो उनकी अपील भी रिजेक्ट हो गई। इसके बाद वो इस डिसमिसल ऑर्डर के रिविजन में गए। यहाँ पे फिर उनका जो ये उन्होंने पुनर्विचार याचिका डाली, रिवीजन डाला, तो यहाँ पे भी उनका रिवीजन जो है वो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद फिर हस्बैंड गए हाई कोर्ट में। अब यहाँ हाई कोर्ट में हस्बैंड का जो लॉयर था, उन्होंने कहा कि सच है कि उन्होंने सेकंड मैरिज करी, लेकिन जो लोअर कोर्ट्स और जो उनके डिपार्टमेंट में प्रोसीडिंग्स हुई, उसमें ये नहीं देखा गया कि जब उन्होंने सेकंड मैरिज करी तो उनकी वाइफ ने, फर्स्ट वाइफ ने, हस्बैंड की फर्स्ट वाइफ ने एक एफिडेविट जमा कराया और अपनी कंसेंट दी, मतलब अपनी सहमति दी कि भाई हाँ, मेरे हस्बैंड जो है वो दूसरी शादी कर रहे हैं। हस्बैंड ने सेकंड मैरिज तभी करी जब फर्स्ट वाइफ की कंसेंट थी, मतलब कि उनकी सहमति थी और उन्होंने एफिडेविट जमा कराया उसका। लेकिन ये चीज़ नहीं देखी गई लोअर कोर्ट्स में और जो है उनके डिपार्टमेंट में, और इस पर फोकस करे बिना ही जो है उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, उन पर कार्यवाही की गई। तो ये दलील पेश करी हस्बैंड के लॉयर ने हाईकोर्ट के सामने। अब यहाँ पे जो अदर पार्टी का जो लॉयर था, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये सच नहीं है, और जो फैक्ट्स, जिन फैक्ट्स के बेसिस पे लोअर कोर्ट ने, उनके डिपार्टमेंट ने प्रोसीडिंग्स करी हैं, वो ही सच है। अब यहाँ पे पटना हाई कोर्ट ने सब चीज़ें एनालाइज करी, सब चीज़ों पर गौर किया, दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर पटना हाई कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है, अगर उन्होंने जो है फर्स्ट वाइफ ने सहमति दे दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हस्बैंड सेकेंड मैरिज कर ली। उन्हें पहली मैरिज से पहले डाइवोर्स लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वो सेकंड मैरिज के लिए जा सकते हैं। यही दोस्तों लीगल प्रोसेस है। आप बिना डाइवोर्स लिए सेकंड मैरिज नहीं कर सकते हैं, वो पनिशेबल ऑफेंस है। आपको 494 सेक्शन आईपीसी बायगैमी के अंडर आपको जो है सज़ा दिलाई जा सकती है। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा कि अगर वाइफ अग्री थी सेकंड मैरिज के लिए, तब भी ये इलीगल ही माना जाएगा जो हस्बैंड ने सेकंड मैरिज करी है। और यहाँ पे कोर्ट ने ये भी कहा कि इनकी अपील जो है वो आवेदन के समय ही रिजेक्ट कर दी जानी चाहिए। तो तभी के तभी आवेदन के टाइम पर ही उनकी अपील रिजेक्ट कर दी हस्बैंड की। अब दोस्तों, आपको यहाँ पे ये बात समझनी है कि अगर आप सेकंड मैरिज के लिए जा रहे हैं तो आपको पहली मैरिज से फ्री होना पड़ेगा। आप जो भी कंडीशंस हैं सेकंड मैरिज की, इन कंडीशंस के बारे में दोस्तों मैंने उस वीडियो में डिटेल में बताया है, जिसके बारे में मैंने शुरू में जिक्र किया। तो आपको ये ध्यान देना है दोस्तों कि पहले आप डाइवोर्स ले लें, उसके बाद ही सेकंड मैरिज के लिए जाएं, वरना आपके ऊपर 494 सेक्शन बायगैमी के अंडर आपको पनिश किया जा सकता है, आप दोषी होंगे। और तो और, जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पे ऐसे इन्वेस्टिगेशन होती है क्राइम करने पर, तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं।
तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें। इस केस में दोस्तों जिसमें हमने बात करी उसमें पार्टीज थी विनोद कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इस नाम से दोस्तों जजमेंट है। अगर आप चाहें, अगर आपका काम का है जजमेंट, आपकी केस की परिस्थितियां इस केस से मैच करती हैं, तो आप इस जजमेंट को पढ़कर इसे डाउनलोड करके इसका लाभ उठा सकते हैं, अपनी पिटीशन में लगा सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपकी यूजफुल हो, हेल्पफुल हो, तो इसे आगे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।